السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मेरे मोहतरम बुजुर्गों व दोस्तों, माँ और बहनों, आज मैं आप हजरात के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह मियाँ के पास जाना के बारे में कुछ तारीखी बातें लेकर के आया हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक पहुंच चुका था, कुरान मजीद नाजिल हो चुका था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से पूछ लिया कि मैंने अपना काम पूरा किया या नहीं, और अल्लाह मियाँ को गवाह बना करके मुसलमानों ने और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि आपने अपना काम मुकम्मल कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमा दिया, आज दिन पूरा हो गया, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद पूरा हो चुका है। अब अल्लाह मियाँ ने अपने प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया और हज से वापस होने के 3 महीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द हुआ और बुखार हुआ और बुखार चढ़ा और बुखार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। आखिर इतनी तकलीफ बढ़ गई कि मस्जिद में तशरीफ लाना मुश्किल हो गया। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अबू बकर आप नमाज पढ़ाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने लगे। एक रोज हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, सब लोग सब मुसलमान रो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके याद से बहुत रोते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के कंधों पर टेक लगा कर मस्जिद में तशरीफ ले गए। तमाम मुसलमान खुशी खुशी जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों के सामने एक तकरीर फरमाई और समझाया कि मुसलमानों, तुम अपने नबी की मौत से डरते हो, जबकि कोई भी नबी आज तक जिंदा नहीं रहा, तो भला मैं कैसे जिंदा रहूँगा। अब मैं अपने खुदा से मिलने जा रहा हूँ, थोड़े दिनों में तुमसे और मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। ए मुसलमानों, अगर तुम किसी को गाली ना दोगे, अगर तुम बुरे काम ना करोगे, अगर तुम बुरी बातें ना बकोगे, किसी के पीछे उसे बुरा ना कहोगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। ए मुसलमानों, तुम सुन लो, तुम सबके सब आपस में भाई हो, और तुम कभी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करना।
मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तकरीर के बाद आप अपने हुजरे में तशरीफ ले आए, फिर बीमारी बढ़ती गई। एक रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और उनके पास बैठ गए। जब सब लोग नमाज पढ़ चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों से फरमाया, ऐ मुसलमानों तुम सुन लो, अबू बकर मेरे सबसे बड़े मोहसिन हैं। ऐ मुसलमानों तुम सुन लो, अबू बकर मेरे सबसे बड़े मोहसिन हैं, और अगर मैं अल्लाह के बाद किसी को दोस्त बनाता तो मैं अबू बकर को बनाता। ये मेरे भाई हैं, मस्जिद के दरवाजे सिवाय अबू बकर के बंद कर दिए जाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, इस तकरीर के बाद आप अपने कमरे में तशरीफ ले गए। चंद ही दिनों के बाद बुखार और मर्ज बढ़ गया। फिर एक दिन रबीउल अव्वल की दूसरी तारीख को दो शनबा के दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे मुबारक मस्जिद से मिला हुआ था और उसका एक दरवाजा मस्जिद में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से एकाएक पर्दा हटा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चांद की तरह रोशन और चमकता हुआ चेहरा पर्दे से बाहर निकाला। सब मुसलमान आपको देखकर खुशी के मारे फूले न समाए और इतनी खुशी हुए कि तमाम लोग नमाज छोड़ने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से मना फरमाया कि तुम लोग नमाज पढ़ो, तुम लोग नमाज पढ़ते रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अंदर कर लिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, जोहर के वक्त बुखार बहुत बढ़ गया और उसकी गर्मी से बेचैन होने लगी। उसके वजह से बेचैनी होने लगी तो एक प्याला ने पानी मंगा कर पास रख लिया और उसमें हाथ डाल कर मुंह पर फिरते जाते थे ताकि बुखार की गर्मी कम हो। फिर मिसवाक की तरफ देखा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मिसवाक अपने मुंह में चबा करके नरम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की, फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखे हुए जोहर के बाद दो शनबा के दिन 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को अल्लाहुम्मा रफीकुल आला अल्लाहुम्मा रफीकुल आला कहते हुए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया। इस्लाम का अवतार गुरूब हो गया, मगर अपनी रोशनी छोड़ गया अल्लाह मियां
रहते दुनिया तक इसकी रोशनी को कायम रखे आमीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात खबर वफात की खबर सहाबाए किराम में बिजली की तरह फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर वफात की खबर सहाबाए किराम में बिजली की तरह फैल गई। पूरे शहर के लोग पागलों की तरह हो गए, बेताब हो गए, चारों तरफ बेताब होकर रोने लगे। बूढ़े छोटे मर्द औरत जवान सब कोई पागलों की तरह रोने लगे। बादशाह सहाबाए किराम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर चले जाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने तलवार निकाल कर खड़े हो गए, कहने लगे जो ये कहेगा कि हुजूर की वफात हो गई है मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मुसलमानों को दिलासा दिया और एक तकरीर फरमाई और कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक पैगंबर थे जो मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे। वो मुसलमान जान ले, वो मुसलमान जान ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। और जो मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते थे वो यकीन रखे कि अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा जिंदा रहेगा। फिर उन्होंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन कबलिहि रसूल अफा इन माता औ कुतिलल कल्बतुम अला अकाबिकुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सिर्फ एक पैगंबर थे, आपसे पहले भी बहुत से पैगंबर आए और चले गए। तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंतकाल फरमा गए तो क्या तुम मुसलमान इस्लाम से फिर जाओगे? मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस तकरीर से मुसलमानों को होश आया और दिल पर पत्थर रखकर सब्र कर लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुसल दिया और कफन पहनाया गया और नाश मुबारक वहीं रखी गई जहां इंतकाल हुआ था। सहाबाए किराम एक एक करके जाते थे और नमाज पढ़कर चले आते थे। तीन दिन तक इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नासे मुबारक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में रखी रही। जब तमाम मुसलमान अपने प्यारे नबी का आखिरी दीदार कर चुके तो उसी कमरे में आपकी कब्र मुबारक तैयार की गई और वहीं दफन कर दिया गया। कब्र मुबारक जमीन से एक बालिश ऊंची रखी गई। मैं यहीं से अपने बातों को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने की तौफीक इनायत फरमा दे, उनके अहकाम व अरकान के मुताबिक चलने की तौफीक इनायत फरमा दे। आमीन आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।